नमस्कार, अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो अनबॉक्सिंग के लिए लेकर के आए हैं हम लोग पैकेज, वो है हवाई, पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं चाइनीज में मेरे भाई, हवाई का जो है ये मोबाइल वाईफाई, इसका नाम देख सकते हैं आप लोग, ये है हवाई का मोबाइल वाईफाई। और आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं, ये काम क्या आता है, क्या क्या चीज़ें इसकी खास है वो बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। मैं इतना ब्लैक क्यों आ रहा हूँ भाई, हाँ बिल्कुल, हाँ फिट हूँ। तो अभी इसको करते हैं फटाफट अनबॉक्स। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, इसका बॉक्स जो है बिल्कुल सिंपल है, खाली है लगभग चारों तरफ से। सिर्फ यहाँ पर एक दिया गया है ब्रांडिंग वगैरह है, और सिर्फ आपको छोटे से स्टिकर्स यहाँ पर इसकी कार्ड की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसके जो कितना गीगाहर्ट्ज़ का है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो वो फोर आपको LTE कैटेगरी की फोर मिल जाती है। आपको 150 Mbps तक की स्पीड जो है सपोर्ट करता है, 150 mAh की इसके अंदर बैटरी है, और 16 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल इस तरह की डिटेल है, और एक साइड में स्टिकर दिया गया है। इसके ऊपर आपको प्राइस वगैरह की डिटेल मिल जाती है। प्राइस इसका 3599 है, लेकिन मुझे कितने का मिला मैं आपको बताऊँगा आगे एक वीडियो के अंदर। जब हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से, तो सामने की तरफ हमारे को जो है इस तरह का बॉक्स दिखता है। सबसे पहले इसके अंदर दिखती है कि ये USB माइक्रो USB से USB डेटा केबल बोल दो इसको, या पावर केबल बोल दो, इसके अंदर चार्जर साथ में नहीं मिलता है, ये सिर्फ केबल मिलती है। तो ये इसके साथ जो आती है। जब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो देख सकते हैं आपको बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी यूज़र गाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी ज़्यादा। और अब हमें मिलती है वो बैटरी 1500 mAh। अब है मेन डिवाइस, और कुछ नहीं बचा डब्बे के अंदर। तो ये डिवाइस जो है इस तरह की, आप देख सकते हैं आप लोग, ये डिवाइस कुछ इस तरह की है। और इसके ऊपर आपको दो इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, एक नेटवर्क का है आपका और एक बैटरी का। और बैटरी के भी उसके अंदर जो है आपको सिर्फ लाइट्स दिखती है। यहाँ पर हवाई की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ भी आपको जो है हवाई की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। और साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है चार्जिंग वाला, चार्जिंग केबल लगाने का। और यहाँ पर जो है दूसरी साइड आपको मिल जाता है एक पावर ऑन एंड ऑफ बटन, और इसके साथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ से इस ढक्कन को हम लोग एक साइड में कट दिया गया है, वहाँ से खोल सकते हैं। तो मैं खोलता हूँ इसको, काफ़ी मुश्किल से खुलता है, ये नया प्रोडक्ट है ना। तो ये इस तरह से जो वो खुल जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर की तरफ आपको इसकी वाईफाई का जो वो नेम मिल जाएगा, आपको क्या वाईफाई का नेम है, क्या पासवर्ड है उसका, और आईपी का जो वो आपको डिटेल मिल जाती है 192.168.8.1 आपको आईपी मिल जाती है इसकी। इसके अंदर जाकर के आपको एडमिन और पासवर्ड, एडमिन ही है इसका पासवर्ड, ए बी छोटा है, और मॉडल वगैरह और बाकी मेड इन चाइना वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर फुल सिम कार्ड लगता है, और इसके अंदर आपको SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। लगभग बहुत सारे कार्ड्स के अंदर जो है SD कार्ड लगता है आपका, मेमोरी कार्ड, तो वो लगा सकते हैं, इसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप पूरी सिम कार्ड लगाइएगा, और बैटरी लगाते रहते हैं हम लोग, इसको करते हैं ऑन, तो वहाँ पर जो आपको ये दोनों जो लाइट साइड में दी गई है वो वाली आपको जब वो ऑन होती हुई दिखती है, वहाँ पर जो वो अलग सी कलर की दिखती है। और मैंने इसको जब वो यूज़ करके देखा, सीधा आपको अंदर वाला जो पासवर्ड है वाईफाई वाला वो लगाना है, और आपका प्रोडक्ट हो जाता है स्टार्ट, और आप तुरंत जो है इसको इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड इसकी ठीक है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन इसका प्राइस जो देखते हुए बहुत थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ी स्पीड अच्छी आनी चाहिए थी। दूसरा, इसकी वाईफाई रेंज जो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो वो आप 8-10 डिवाइसेस के बाद जो वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ना, आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 16 कर सकते हैं, पर वो सभी के सभी एक साथ वर्क करने में इसको जो वो हीट अप कर देंगे। तो आप इसके अंदर जो वो ध्यान रखिएगा, आप 10-12 डिवाइसेस चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक सिस्टम वगैरह ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट है, मेरे को अच्छा लगा, पतला सा है, बिल्कुल स्लीक सा है। ये वाला पार्ट मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा हूँ, मैंने डिवाइस को यहाँ पर रखा हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात, इसका जो वो कलर बहुत गंदा सा हो गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा, मैं बात बता दूँ, इसकी बहुत ही कम बैटरी चलती है इसकी। लो, बंद ही हो गई इतनी देर में। तो ये दुविधा है इसके साथ में, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी चीज़ कि बैटरी बहुत कम चलती है मेरे भाई। बैटरी लगभग 3-4 घंटे ही निकालती है, 4-5 घंटे बस, लेकिन बाकी जो है वो मैं और कई सारे लिंक देने वाला हूँ, उनकी बैटरीज काफ़ी अच्छा वर्क करती है।
डोंगल्स के अंदर एक मेन थिंग होती है, मेन चीज़ होती है कि अगर बैटरी आपने रिमूव कर दी, सिर्फ चार्जिंग लगा रखा है, तो वो वर्क करते हैं बहुत सारे डोंगल्स। लेकिन हुआवे वाले के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ऐसे वर्क नहीं करता है, तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा इसका फीचर। कई सारों में ये वर्क करता है। परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये आपको 3,000 से 3,400 रुपये के बीच में मिल जाता है प्रोडक्ट। मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जा करके परचेज़ कर सकते हैं। इसका ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है, आपको सिर्फ कार्ड वगैरह पे कोई ऑफर मिल जाए तो अच्छा है। अगर आपको ये वाली वीडियो अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें।